सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस चीज के बने होते हैं, कहां पर यूज होते हैं, वो सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। बने रहें मेरे चैनल पर ए टू जेड वेदिज्ञान के टेक्निकल सिंह में। इंसुलेटर, इंसुलेटर बहुत जगह लगते हैं, तो इंसुलेटर के बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर पुश कर दें, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो आइए जानते हैं इंसुलेटर। आप मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आज हम पूरा इंसुलेटर का चैप्टर पूरा क्लियर करेंगे। एक अच्छे इंसुलेटर में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जिस मटेरियल से इंसुलेटर बनता है उसमें किसी भी तरह की मिलावट या फिर अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको उतने ही ज़्यादा वोल्टेज के लिए उपयोग किया जा सकता है। इंसुलेटर पर तापमान का असर नहीं होना चाहिए। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। इंसुलेटर पे आग और पानी के साथ साथ वातावरण का भी कोई असर नहीं होता है, जैसे सर्दी गर्मी बर्फ तूफान बारिश, वही इंसुलेटर सबसे अच्छा होता है। इंसुलेटर विद्युत, जो बिजली होती है, इंसुलेटर उस धातु का, उस पदार्थ का बना होता है जो विद्युत की धारा को अपने अंदर से प्रवाह करने नहीं देता है। साधारण शब्दों में कहेंगे विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं या कुचालक होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान परिस्थितियों में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। जैसे लकड़ी सूखी हुई इंसुलेटर, बैकलाइट इंसुलेटर, चीनी मिट्टी इंसुलेटर, कागज पीवीसी आदि, ये सब कुचालक हैं, इंसुलेट करते हैं, ये करंट को रोकते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है? एक कंडक्टर वह है जो आसानी से अपने अंदर से करंट को इधर से उधर पहुंचा दे, और इंसुलेटर वह है जो आसानी से करंट को अपने अंदर से पास न होने दे और इधर का करंट इधर ही रोक दे, तो इंसुलेटर। इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं? इंसुलेटर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे डिस्क इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, टिन इंसुलेटर, स्टेन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, शैकल इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, पॉलीमर इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर और लॉन्ग रोड वाले इंसुलेटर। तो सबसे पहले डिस्क इंसुलेटर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला इंसुलेटर है। जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता चलता है, इस इंसुलेटर का जो आकार होता है वह डिस्क की तरह का होता है, यानी डिस्क इंसुलेटर, इसलिए इसको डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं। एक डिस्क की तरह दिखता है। डिस्क इंसुलेटर का उपयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में किया जाता है। नंबर 2 पोस्ट इंसुलेटर, हाई वोल्टेज में उपयोग होने वाले इंसुलेटर हैं। ये मुख्य रूप से सब स्टेशन में उपयोग करने के लिए इसका डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह अलग अलग वोल्टेज के लेवल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये जनरेटिंग स्टेशन में बिजली में उत्पादन होने के बाद बिजली को सुरक्षित और स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करते हैं, इसीलिए इसका नाम, इसका उपयोग पोस्ट इंसुलेटर के लिए पोस्ट इंसुलेटर रखा गया है। पोस्ट इंसुलेटर सिरेमिक या सिलिकॉन रबड़ से बनाए जाते हैं। इसको वर्टिकल पोजीशन में लगाया जाता है। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया होती है, इसलिए इनको ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और बाकी जो भी दूसरे उपकरण उनके साथ जुड़े रहते हैं, इन सब के लिए ये पोस्ट इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर को बनाने में सिरेमिक रबड़ सिलिकॉन पॉलीमर एवं पोर्सलिन का उपयोग किया जाता है, और हम लो वोल्टेज के लिए एक पिन इंसुलेटर को लगाते हैं। पिन इंसुलेटर का उपयोग 415-33 केवी तक ही किया जाता है।
415 वोल्ट और 33 केवी तक किया जाता है। पिन इंसुलेटर का सबसे अधिक इस्तेमाल इलेक्ट्रिक पावर के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है। यह एक पिन के आकार का होता है और कुछ बोल से जाने वाले तार को इस पिन इंसुलेटर पर बांध दिया जाता है। अगला नंबर आता है दोस्तों स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर को हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ केबल के बहुत ही ज्यादा खिंचाव को झेलने के लिए बनाया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की तरह ही होता है। इसको रेडियो एंटीना को सपोर्ट देने के साथ साथ ओवरहेड पावर लाइनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर को का इस्तेमाल दो अलग अलग लाइनों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर डिस्क इंसुलेटर को जोड़ जोड़ कर ही सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया जाता है। यह इंसुलेटर भी टावर से लाइन को अलग करता है और साथ ही लाइन को सपोर्ट भी देता है। इस इंसुलेटर को हाई वोल्टेज और ओवरहेड लाइन में उपयोग किया जाता है। शैकल टाइप इंसुलेटर आमतौर पर एक आकार में छोटे होते हैं और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में इनका उपयोग होता है। शैकल इंसुलेटर का उपयोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरह से किया जा सकता है। इस इंसुलेटर को धातु की पट्टी का उपयोग करके या एक स्ट्रिप का यू टाइप में क्लैंप बना करके इसका प्रयोग किया जाता है। ये लगभग 33 केवी तक ही यूज किया जाता है। स्टे इंसुलेटर एक प्रकार का लो वोल्टेज में उपयोग किया जाने वाला इंसुलेटर है। स्टे इंसुलेटर का सहारा देने के लिए लगाए जाने वाले स्टे वायर या मैन ग्रिप लगाने के लिए उसकी पकड़ मजबूत करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही पोल में लगने वाले काउंटर वेट के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पॉलीमर इंसुलेटर पॉलीमर इंसुलेटर्स ऐसे विद्युत उपकरण हैं जो आमतौर पर पॉलीमर और धातु की फिटिंग से बने होते हैं। इसके अलावा ये इंसुलेटर फाइबर ग्लास रोड के ऊपर पॉलीमर वेदर शेड की परत चढ़ा के भी बनाए जाते हैं। ये वेदर शेड्स पॉलीमर इंसुलेटर वातावरण की मार से इंसुलेटर को बचाते हैं। पॉलीमर इंसुलेटर वजन में हल्के होने के साथ साथ पोर्सलिन से बने इंसुलेटर की तुलना में ज्यादा मजबूत भी होते हैं। सामान्य तौर पर पॉलीमर इंसुलेटर्स गर्मी और बिजली दोनों के लिए बहुत ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं। इनके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रासायनिक और हीट प्रॉपर्टी सबसे अलग होने के कारण ही इसे एक इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्लास इंसुलेटर ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर हैं जो आमतौर पर एनील्ड या टफ ग्लास से बनाए जाते हैं। ग्लास इंसुलेटर का काम बिजली के तारों को इंसुलेट करना ताकि करंट पोल या टावर तक ना पहुंचे और धरती में लीक ना हो। ग्लास इंसुलेटर का उपयोग पहले टेलीफोन लाइनों में किया जाता था जिनको बाद में सिरेमिक और चीनी मिट्टी के इंसुलेटर से बदल दिया गया। अगला नंबर आता है लॉन्ग रोड इंसुलेटर। लॉन्ग रोड इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइनों में ही किया जाता है। लाइन को टावर से अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षित रूप से बिजली का ट्रांसमिशन करने से ये एक सुरक्षा उपकरण भी कहलाते हैं। उपयोग और आवश्यकता के आधार पर लॉन्ग रोड इंसुलेटर कई इंसुलेटर को जोड़ के बनाया जाता है। पोर्सलैन की छड़ें होती हैं जिनमें वेदर शेड और बाहर की तरफ मेटल एंड फिटिंग्स होती हैं बहुत सारी। इस प्रकार के इंसुलेटर को लगाने का लाभ ये है कि वे तनाव और सस्पेंशन दोनों स्थानों पर उपयोग में नंबर एक काम करते हैं। इंसुलेटर चीनी मिट्टी से बने जो इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किए जाते हैं वो पोरुष यानी कि सरंध्रता वाले होते हैं। अगर इन इंसुलेटर की सतह समतल और चिकनी ना हो तो ये नमी को अपने अंदर सोख सकते हैं। अगर इंसुलेटर के अंदर नमी चली गई तो फिर इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इसके कारण लीकेज करंट बढ़ जाता है। आंतरिक अशुद्धियां
इंसुलेटर को बनाते समय इनमें कुछ अशुद्धियां या फिर दरारें रह जाती हैं। अब इन सब अशुद्धियों के कारण ही इंसुलेटर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके कारण ही कभी कभी रेटेड वोल्टेज पे भी इंसुलेटर के काम करने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा नए इंसुलेटर लगाए हैं और उसमें रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी पूरी नहीं मिल रही है, वो पूरी कनेक्टिविटी, कुछ कनेक्टिविटी उसके अंदर से लीकेज हो रही है। तो यही कारण है कुछ बनाने में खामियां हो जाती हैं, कुछ लगाने में। कैसे पढ़ते हैं कि सीरीज हम पूरी कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर की पूरी जानकारी की सीरीज हम लेकर आ चुके हैं, सब स्टेशन की सीरीज चल रही है और बिजली हमारे घर तक कैसे पहुंचती है की सीरीज भी चल रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की इंसुलेटर की जानकारी? तो इंसुलेटर बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है विद्युत या करंट ले जाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि बिना इंसुलेटर के आप कहीं पर भी इसको, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ले जा सकते। तो इंसुलेटर का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। इंसुलेटर चुनते समय हमने जिस जिस बातों का ध्यान रखना होता है, सावधानियां रखनी होती हैं, वो मैंने सब आपको बता दी है। तो आप मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल ए टू जेड वैदिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर पुश कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं टेक्निकल शॉर्ट और टेक्निकल लॉन्ग दोनों तरह की वीडियो डालता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।